स्टडी करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। पहला प्रोसेस है पैसिव प्रोसेस, जिसमें किसी भी टाइप की कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, एंड इट इज कॉमनली नोन एज डिफ्यूजन। तो जितने भी हमारे गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स हैं, उनमें बेटा होता है डिफ्यूजन। इस वीडियो के ऊपर की तरफ आप देख सकते हो बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं और इसी को हम कहते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन। नीचे की तरफ आपको नेग्लिजिबल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिख रहा होगा, जिसको हम कहेंगे लो कॉन्सेंट्रेशन। अब डिफ्यूजन में क्या होगा बेटा? डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, जिसमें किसी भी टाइप की कोई भी एनर्जी यूज नहीं होगी। तो जो ये गैशियस मॉलिक्यूल है, जो ये हमारे लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सीधा मूव करते हैं अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। दैट मींस जहां ज्यादा है कम की तरफ मूव करेंगे जब तक इक्वल ना हो जाए। आवर नेक्स्ट प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि एक टाइप की पैसिव प्रोसेस ही है। इसमें भी बेटा कोई भी एनर्जी यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो वायलेट कलर में एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो रास्ता बना रहा है। बेटा कुछ हमारे चार्ज्ड ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे कि शुगर मॉलिक्यूल्स, या बेटा कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो हेल्प लेते हैं, वो किसी प्रोटीन का हेल्प लेते हैं टू पास अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसीलिए इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें भी कोई भी किसी भी टाइप की एनर्जी यूज नहीं होता है। इसमें भी मूवमेंट जो है बेटा हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। दैट मीन्स जहां पे शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा है, आप देख सकते हो वहां से कम की तरफ ये मूव हो रहे हैं। सो This is the movement through which non-polar molecule या sugar molecule move across the plasma membrane. और ये भी बेटा diffusion के law को ही follow करते हैं। Our next process is active transport. अब active का मतलब हमें क्या पता चलता है बेटा? Active is like use of energy. तो बहुत सारे process हमारे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे movement of sugar molecules, of iron molecules, opposite direction में भी होता है। वैसे अब तक हमने क्या देखा, हमेशा high to low चीजें move हो रही थी, लेकिन active में क्या होगा बेटा, एक छोटी सी चीज add हो जाएगी, that is adenosine triphosphate, ATP या energy। और इसी के चलते आप देख सकते हो ये जो रेड कलर का प्रोटीन है, ये लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन शुगर मॉलिक्यूल को पंप कर रही है, शुगर मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ फेंक रही है। समझ में आया? इज इट इजी? अगर नहीं आया तो आप एक चीज ध्यान रखो, एक्टिव का मतलब है एनर्जी। जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में एडवेंचरस काम करते हैं, क्यों बेटा? बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो वही एनर्जी है जो यहाँ प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएंगे, एंड इट विल एक्ट एज अ पंप, एक पंप की तरह काम करेंगे, जोश उसमें भर जाएगा और वो जो प्रोटीन है वो लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन चीजों को, मॉलिक्यूल्स को मूव करवाएगा। सो दिस इज एक्टिव प्रोसेस, जिसमें एनर्जी यूज होंगे, जिसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और जिसमें मूवमेंट हमेशा लो टू हाई भी हो सकता है। Our next process is endocytosis, जो कि हमारे bulk movement का part है। आप देख सकते हो endocytosis में सिर्फ उन्ही चीजों की movement होती है जिसकी bulk, that means large size में या large quantity में movement की जरूरत पड़ती है। Endo का मतलब है inside and cytosis का मतलब है cell। तो इस video में आप देख सकते हो ये yellow colored का molecule किस तरीके से cell के अंदर चला गया और एक छोटा सा vesicle, याद करो मैंने कहा था ऊला और ऊबर ऑफ द सेल बन गया। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है जहां एक WBC व्हाइट ब्लड सेल एक बैक्टीरिया को निगल रहा है। और यही नहीं, इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि कुछ हमारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरामीशियम अमीबा। आप देख सकते हो किस तरीके से छोटे मोटे बैक्टीरिया को ये निगल रहे हैं और डाइजेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू सेल के अंदर बेटा लिक्विड एंड सॉलिड चीजों की मूवमेंट होती है। सिमिलरली अगर आप देखोगे कभी कभार कुछ ऐसे चीजें भी होती है जो बॉडी से बाहर निकलती है, सेल से बाहर निकलती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब है आउट एंड साइटोसिस का मतलब है सेल।
तो जब भी सेल किसी भी तरीके की चीजों को बेटा बॉडी से बाहर निकालेगी, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अगेन कमिंग बैक टू द डायग्राम, कमिंग बैक टू द वीडियो, आप देख सकते हो ये येलो कलर्ड का जो मॉलिक्यूल है किस तरीके से बॉडी से बाहर निकल चुका है। तो हमारे बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं, अगेन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक अमीबा, लाइक पैरामेशियम एंड सो ऑन, ये बेटा इस प्रोसेस को यूज करते हैं टू रिमूव वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए किस तरीके से ये पैरामेशियम अपने बॉडी से बाहर चीजों को निकाल रही है। थैंक यू बेटा।